खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरियाणा के यमुनानगर में भारी संख्या में भूतपूर्व एयरफोर्स सैनिकों ने चीन द्वारा धोखे से मारे गए सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। यमुनानगर के नेहरू पार्क के सामने आयोजित श्रद्धांजलि सभा के भूतपूर्व एयरफोर्स सैनिकों ने कहा कि अगर देश को उनकी जरूरत पड़ी तो वह बिना वेतन के भी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने धोखे से सैनिकों को मारा और उनका उत्पीड़न किया है, जिसकी कड़ी निंदा करते हैं। भूतपूर्व सैनिकों ने शहीद हुए सैनिकों की याद में मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं भूतपूर्व एयरपोर्ट फॉर सैनिकों ने कार्यक्रम में शामिल हुए यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व नगर निगम के मेयर मदन चौहान से मांग की यमुनानगर में सैनिकों के सम्मान में शहीदी स्मारक बनाया जाए, जिसमें वह समय समय पर 15 अगस्त व 26 जनवरी नेवी एयरफोर्स एवं आर्मी डे मना सके। इस पर विधायक व मेयर ने आश्वासन दिया कि उनकी मांग उचित है, उसके लिए सरकार के सामने प्रस्ताव रखे जाएंगे ताकि सैनिकों के लिए विकसित किया जाए। K9 मीडिया के लिए यमुनानगर से विकास औलियान की रिपोर्ट। कुमार बंसल, हमने आज का प्रोग्राम ऐसे हमारे प्रधान जी ने बताया जो हमारे 20 जवान शहीद हुए चाइना इंडिया बॉर्डर पे, उसके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किया। अब ये हम लोग ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं ये खुले में सुंदर कर रहे हैं नेहरू पार्क के गेट पे। हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में भी कोई एक शहीदी स्मारक बने, ताकि उसके हम आने वाले हर 15 अगस्त 26 जनवरी एयरफोर्स डे नेवी डे या कोई भी अन्य प्रोग्राम हो, हम वहाँ पे एक आर्मी डे पे हम ये सब कर सकें। अभी जो चीन की सीमा पे एक झड़प हुई है और हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, आज उनकी याद में जो अपने एयरफोर्स के पूर्व सैनिक थे, एक देश का जज्बा है, पूर्व सैनिक हों चाहे हम सिविलियन लोग हैं या जितने भी दूसरे धार्मिक सामाजिक लोग हैं, उनके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा होता है, उसी को लेकर के आज इन्होंने यहाँ एक कैंडल मार्च का जो कार्यक्रम किया कैंडल जलाने का, उन्हीं की याद में आज ये कार्यक्रम।